गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग टू माई कुची कुची पाइस। मामा गुड मॉर्निंग, उठे पढ़ो कि क्यों उठो। मैं सुबह उठ के आज एडिटिंग पे बैठी थी, इसलिए ये दोनों मेरे साथ आके इस रूम में बैठी है। बेडरूम का एसी ऑफ करके इस रूम में एसी चला कर बैठी हूँ। सुबह से बिना एसी के रहना इम्पॉसिबल। दीपांजन गया है मार्केट, फ्लरी क्यारा का चिकन लाना पड़ेगा और हम लोगों के लिए भी कुछ वेजिटेबल्स लाना है। फ्लरी क्यारा को उनका फर्स्ट मील वो खिला दूंगी और उसके बाद दिन का मेरा जो काम है वो शुरू करूंगी। एंड आई नो यू गाइस आर ईगरली वेटिंग टू नो व्हाट इज फ्लरीज हेल्थ अपडेट। लास्ट वीडियो में जैसे आपने देखा था कि उसके गम में बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्शन हो गया था, तो उसी को लेके हम लोग ना बीच में बहुत बहुत ही ऊपर नीचे हो गया सब कुछ। एक तो फ्लरी का तबीयत खराब हो गया, मेरे पापा का फ़ोन खो गया था, फिर दो सिम लेने में बहुत ही दिक्कत हुई। मैं वहाँ तक भी नहीं जा पाई कि वहाँ जाके पापा को सिम विम लेने में हेल्प करूँ, तो वो सब भी पापा ही कर रहे थे। मैं बस यहाँ से थोड़ा बहुत उनको फ़ोन पे गाइड कर रही थी। भी एक टेंशन हो गया था, ऊपर से हमारे कल्याणी के घर की इंटीरियर शुरू होगा नहीं होगा इसको लेके, मतलब शुरू होगा बट उससे पहले कुछ ना कुछ लास्ट मिनट जो चलता है ना, बजट को लेके, सारे मटेरियल्स को लेके, वो सब लेके थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो सब मिला के जो हुआ वो है, मैं कुछ फ्लरी का जो हेल्थ अपडेट है वो देने में मैं थोड़ी लेट हो गई। आज आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। इससे सबसे पहले फ्लरी क्यारा को उठा दूँ अच्छे से और उन दोनों को रेडी कर दूँ पहले। दिस इज फ्लरी क्यारास टूडेज फर्स्ट मील ऑफ द मॉर्निंग। आज सिर्फ दोनों को बॉयल चिकन दूंगी। लास्ट कुछ दिनों से दे आर ऑन पम्पकिन एंड चिकन डाइट बिकॉज फ्लरी वॉज ऑन एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स कॉज कॉन्स्टिपेशन वेरी इजिली। सो जस्ट टू कीप एवरीथिंग इन बैलेंस वी वेर मेकिंग देम ईट वेजीज विद चिकन। बट आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बच्चे भी गर्मी में थोड़ा खाना कम ही खाना चाहते, इसलिए थोड़ा सा उसको फिर बैलेंस आउट करके दोनों के टेस्ट बड्स को थोड़ा नॉर्मल रखने के लिए आज वेजीज को निकाल के सिर्फ बॉइल चिकन दे रही हूँ। फ्लरी एंड कियारा को दिया जा रहा है क्या, ड्रॉन्टल प्लस टेस्टी। ओह, ये आप लोग बहुत सलाह देते हो कि खाने के साथ दे दो या किसी चीज़ में रैप करके दे दो, बट ट्रस्ट मी खाना खा लेती है वो निकाल देती है, तो इसलिए यही ऑप्शन है कि उसके एकदम गले में डालना पड़ता है। निकालने की कोशिश करती है ना, गुड गर्ल। अभी भी हाफ है, फ्लरी एक फुल टैबलेट खाती है और कियारा हाफ। वेरी गुड गर्ल, कियारा ने फिनिश कर लिया है अपना हाफ, अदर हाफ भी खाना चाहती है। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, गुड गर्ल मामा। 3 महीने के लिए अभी शांति, फिर 3 महीने बाद फिर से हमारा लड़ाई शुरू होगा। I'm really sorry for posting this video so late. I know you guys were eagerly waiting to know about Flurry's health update. I couldn't post in between because there were lot of travelings involved. And Kalyani mein traveling aise hota raha ki subah hum nikalte the, sham tak hum wapas aate hai. मतलब हम लोग निकलते हैं कुछ 10-10:30 बजे और फिर वापस आते हैं शाम को 6-6:30 बजे। सिंस वहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी फ्लरी क्यारा को लेके जाके कहीं पे बिठाने के भी लायक, सो वी हैड टू लीव देम होम। एंड अगर फ्लरी क्यारा नहीं है तो मैं वीडियो में क्या शूट करूँ आप लोगों के साथ। आई एम श्योर यू गाइज वॉन्ट बी इंटरेस्टेड टू वॉच दोज वीडियोज़। हमारे कल्याणी में काम स्टार्ट हो रहा है, तो वेरी सून आई बी शेयरिंग विद यू गाइज द 3D ऑल्सो द 3D डिज़ाइंस दैट हाउ दिस अपार्टमेंट इज गोइंग टू बी। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी गिव यू गाइज दी अपडेट अबाउट फ्लरीज हेल्थ। सो फ्लरी के जो गम इन्फेक्शन थे उसके लिए डेफिनेटली डॉक्टर हैड पुट हर ऑन एंटीबायोटिक्स। सो दिस इज एंटीबायोटिक कॉल कैंडोंटल एंड इट कम्स इन अ टैबलेट फॉर्म, दिस इज नॉट इन अ लिक्विड फॉर्म। एंड लुक एट द साइज ऑफ दिस टैबलेट्स, सो इट वॉज वी आर वेरी वॉरिड दैट हाउ टू गेट फ्लरी ईट 7 टैबलेट्स इन अ रो, but somehow Dipanjan did this miracle and Flurry is also now little used to having tablets, so yes we did it for the course was for 7 days and it's done. And uske sath pain ke liye he gave her this medicine, this is meloxicam. This helped Flurry to ease the pain a little and it was for 3 days, first 3 days. And after post this medication I saw Flurry could eat normally at least. बिफोर शी वॉज ईटिंग ओनली चिकन स्टू, सारा लिक्विड डाइट, उसके बाद अभी थोड़ा च्यू करके खाना शुरू की है। दिस जेल, दिस इज़ मेट्रोजेल डीजी, ये दिया था उसके गम में थोड़ा मसाज कर देने के लिए 2-3 times a day।
सो ये सारे मेडिकेशन के हेल्प से फ्लरी इज गेटिंग बेटर. आई वुड नॉट से शी इज बैक टू हर एक्चुअल सेल्फ. शी इज स्टिल लिटिल स्लो. आई थिंक दिस इज अ वेरी पावरफुल एंटीबायोटिक शी वॉज ऑन. सो शी इज स्टिल वेरी स्लो एंड समटाइम्स वी फील दैट शी इज मोर ड्राउजी देन बिफोर. डॉक्टर के साथ भी री चेकअप है. सो अभी तो डॉक्टर घोष भी वापस आ गए हैं. सो वी आर थिंकिंग दैट डॉक्टर घोष के पास जाओ या उनके जो जूनियर है उनके पास जाओ. तो ये कन्फ्यूजन है. एंड इस मंथ कियारा का वैक्सीन भी है तो डॉक्टर घोष के पास तो जाना ही पड़ेगा. बट डॉक्टर ऑल्सो सजेस्टेड टू डू अ थॉरो क्लीनिंग ऑफ फ्लरीज टीथ. लाइक ह्यूमन्स डॉग्स डू नीड टू गेट द स्केलिंग डन ऑफ देयर टीथ. उनके टीथ में भी बिल्डअप होता रहता है एंड स्पेशली दी स्मॉल ब्रीड्स सिंस दे डोंट ईट मच ऑफ हार्ड बोन्स एंड देन दे डोंट च्यू ऑन वेरी हार्ड थिंग. सो इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है for their oral health. Suggested to get this scaling done, but the problem is हमारे तो scaling normally हो जाता है. But to do the scaling for your dog, they need to put them on anesthesia, general anesthesia. तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब मैं इसलिए सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँगी. But first she needs to get back to her normal self completely. I need to see Flurry fully normal, active and back to her normal thing. Then only we will decide on that. But doctor के साथ एक बार re-checkup तो करेंगे. So this was all about Flurry's medication and Flurry's health update. Today the weather is better. Yesterday the whole night it rained. So our little Flurry is enjoying the outside view. है ना बाबू? दीपांजन घर पे नहीं है. वो दीपांजन नहीं रहता तो मैं बालकनी में बैठ के वेट भी करती है. क्यू क्यू कम्स आउटसाइड टू फाइट विद पिजियंस. नथिंग एल्स, ओनली टू फाइट विद पिजियंस. एंड इन आर ऑपोजिट अपार्टमेंट देयर लिव्स अ ब्लैक लैब्राडोर कुश. कुश एंड कियारा काइंड ऑफ दे शेयर काइंड ऑफ टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप. कुश वहाँ से भागता है, कियारा यहाँ पे आके भागती है, फिर ये चलता रहता है चैन. गुड्डू बाबू, दिस मॉर्निंग वी डिड डीवॉर्मिंग फॉर फ्लरी एंड कियारा. तो यहाँ पे मैं उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती हूँ. द रिकॉर्ड मेंटेनिंग बुक फॉर देयर वैक्सीनेशन डीवॉर्मिंग वेट विजिट्स. जो आप जो भी वेट के पास जाते हो उनके पास ही से आपको मिलते हैं आपके रेगुलर वेट से. यहाँ पे ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ एक दो बार. ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट वाइज मेंटेन करना. जैसे कि मार्च 23 में लास्ट डीवॉर्मिंग हुआ था एंड दिस इज़ जून 23, मिड जून हम लोग फिर से डीवॉर्मिंग कर रहे हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ ड्यू बाई सेप्टेम्बर 23, September 2023. If I maintain this book, so it becomes easier for me to remember that when is the next deworming date coming. Also, when the vet does vaccination, he does put a stamp and he also puts a date that when the next one is due. So it is very easier for us, for parents to keep track. जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, फिर से I would request all the pet parents that please don't delay with their vaccination and deworming. This is the basic health related requirements you have to keep yourself up with. You cannot delay, you cannot just take these things so lightly. So be on track and ensure a healthy life for your pet. These two are done with their dinner and these are the new bowls that we have got for Flurry and Kiara recently. Very common with Shih Tzus, they take time to get accustomed with new things. But now, when they are used to with these balls, they are in love with this. Kiara ko shuru adjust karne mein thoda kam time laga tha. Wo ek hi din mein. Pehle thoda dar rahi thi itna bada sa ball dekhke. But Flurry ko thoda zyada time laga usse. But abhi dono ko bahut pyar hai in do balls se. Mama, ita kaabat e dekho. Kaabat e ta. Good girl. Blue one is for Kiara and the orange one is for Flurry. I'm sure आप लोग मुझसे पूछोगे कि श्रीदीपा लिंक दो कहाँ से ये बोल लिए है. ये बहुत ही यूजफुल है, स्पेशली जिनके पास स्मॉल ब्रीड्स है उनके लिए ये बहुत यूजफुल है. मैं जब पहले जिस बोल्स में फ्लरी कियारा खाती थी दैट वॉज फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम द सेम ब्रांड गूफी टेल्स. दीज आर फ्रॉम गूफी टेल्स, इसमें एम्बॉस किया हुआ है. सो गूफी टेल्स का पहले जो बोल था उसका हाइट कुछ यहाँ तक था, सेम सिस्टम था. ये बाहर का जो स्टैंड है दैट इज़ ऑफ प्लास्टिक, नीचे रबर है ताकि खाने के टाइम ये हिले नहीं. एंड ये जो खाने का जो बोल है वो है स्टील का. सो इट्स नॉट वेरी हैवी एंड ऑल्सो इट्स नॉट टू लाइट. आपने मुझसे कहा था कि थोड़ा सा हाइट वाला बोल दो, उनके नेक लाइन के लिए बहुत अच्छा है. द बोल्स दैट कम विद स्टैंड्स ईदर दे आर टू बिग और दे आर टू लॉन्ग फॉर फ्लरी एंड कियारा. सो द टाइम आई सॉ दिस I was like, let's grab this and let's see. I think this is going to be the perfect height
for Flurry and Kiara to eat comfortably and this is exactly how it has come out to be. Flurry Kiara बहुत पसंद कर रही है इस बोल को, मैं बहुत खुश हूँ. दोनों के लिए कुछ भी लेती हूँ ना, दोनों को अगर पसंद आता है तो मुझे शांति मिलता है. सो या इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है. अमेजोन से ही ली हूँ, फ्रॉम द ब्रांड गूफी टेल्स. बहुत ईजी टू मेंटेन है. बस द ओनली ड्रॉबैक्स आई वुड से अबाउट दिस बोल, सिंस आई हैव यूज द स्मॉलर वर्जन बिफोर, दिस रबर इन द बॉटम पार्ट दैट कम्स ऑफ समटाइम. लड़ी और कियारा के पास दो बोल था, सेम बोल. एक में ब्लैक कलर का रबर था, एक में व्हाइट कलर का. वन विथ व्हाइट रबर, द रबर एक्चुअली केम ऑफ एंड देन इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू यूज़ बिकॉज वो जहाँ भी मैं रखती थी ना, एक कुछ वो रबर थोड़ा चिपक जाता था. रबर का जो ग्लू है वो कैसे फ्लोर पे पूरा चिपक जाता था, तो इट यूज़ टू बी वेरी मेसी, इसलिए मैंने चेंज किया. सो दिस टाइम ऑल्सो द ऑरेंज वन केम विथ द ब्लैक रबर एंड दिस वन विथ व्हाइट. होपफुली दिस विल नॉट कम ऑफ. आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग. आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ. बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड. जल्दी मिलूंगी एंड बहुत जल्दी आप लोगों के साथ हमारे कल्याणी घर का 3D भी शेयर करूंगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट इट. टेक केयर गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम. बाय बाय.